आज जो आपका भाई लव एडवाइस टिप बताने वाला है फ्रेंड, अगर आपने इस टिप को अपने ऊपर अप्लाई कर लिया ना, तो लड़कियां चाह कर भी आपसे दूर नहीं रह पाएगी। लड़की आपसे जितना दूर जाने की सोचेगी फ्रेंड, उतना ही ज्यादा वो आपके दिल के करीब आएगी, उतना ही ज्यादा आप उसे अच्छे लगने लगोगे, उतनी ज्यादा वो आपसे बात भी करना चाहेगी। अब वो लड़की चाहे अननोन है, आपकी दोस्त है या फिर आपकी पार्टनर है, उसको आपकी लत लगने लगेगी, चाह कर भी वो आपसे दूर नहीं रह पाएगी। आज की इस वीडियो का जो पॉइंट मैं आपको पॉइंट समझाने वाला हूं, बस फ्रेंड आप इस पॉइंट को समझिएगा कि आपका भाई क्या कह रहा है आपको, ठीक है। वीडियो को स्किप मत करें भाई, और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई चैनल पर नए हो तो प्लीज भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर देना फ्रेंड। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला काम फ्रेंड, आपको अंदर से अपने कॉन्फिडेंट फील करना पड़ेगा। जी हां, अगर आप यह चाहते हो कि अगर भाई किसी लड़की को मुझे इंप्रेस करना है, उस लड़की को सेट करना है, तो फ्रेंड आपके अंदर यह हुनर होना चाहिए कि कभी भी आप अपने अंदर से उदास फील ना करें। जब आप किसी लड़की से बात करने चाहते हो या फिर किसी लड़की के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन डालना चाहते हो, उसके लिए आपके चेहरे पर मुस्कान होना बहुत ही जरूरी है फ्रेंड। एक तरफ फ्रेंड एक ऐसा दोस्त होता है आपका जो बहुत ज्यादा हंसता है, हंसी मजाक करता है, फ्लर्ट कर लेता है, इतना यानी कंफर्टेबल होकर बात करता है, तो उससे लड़की कितनी जल्दी अट्रैक्ट होती है। क्यों अट्रैक्ट होती है, आज आपका भाई ये भी लॉजिक समझा देता है क्लियर करके। देखो फ्रेंड, जब हम अपने आप को अंदर से खुश महसूस रखते हैं या फिर खुश रखते हैं, तो क्या होता है, सामने से हमारा जो चेहरे की स्माइल है वो रियलिटी में शो होता है। इससे लड़के को लगता है, लड़की को लगता है कि चल वाकई में बंदा इंटरेस्टेड है हमसे बात करने में, वैसी मजे लेकर ये बात कर रहा है हमसे। तो इस तरीके से क्या करते हो फ्रेंड, आप सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेते हो। अगर आप किसी रास्ते चल रहे हो एकदम कॉन्फिडेंट फील होकर चलते हो, तो क्या होता है, सामने वाला जो आपका जो भी है वो अट्रैक्ट होता है कि वाह यार इस लड़के के अंदर इतना कॉन्फिडेंट, बाय गॉड ऐसा कैसे नहीं देख लिया जितना स्माइल कर रहा है। तो फ्रेंड यहां पर आपके अंदर का कॉन्फिडेंट ही डिसाइड करता है कि आप कितने ज्यादा अट्रैक्टिव बन सकते हो, कितना ज्यादा आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। स्मार्ट, हैंडसम, डैशिंग लुक तो फ्रेंड हर किसी के पास होता है, ठीक है, बट फ्रेंड जो अंदर से फील कर सके, अंदर से कॉन्फिडेंट फील कर सके, ऐसे ही लड़के किसी भी लड़के को इंप्रेस कर लेते हैं फ्रेंड। तो ये पहला ऐसा नियम है जो शायद कभी आपने समझा भी होगा, तो भाई इस नियम को फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि लड़की को इंप्रेस करने के लिए फ्रेंड ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या फिर कहा जाए ये टिप्स बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अंदर से कॉन्फिडेंट फील करो। अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो हर किसी से आप बात कर सकते हो, बात करते समय आप शर्माओगे नहीं, डरोगे नहीं। अब अगर भाई अंदर से नेगेटिविटी अगर आपकी निकल रही है कि नहीं ये मुझसे बात कैसे करूंगा, नहीं ये कह देगी, नहीं ये वो कह देगी, या फिर आप अगर उसे देख रहे हो तो देखते समय घबरा रहे हो, डर रहे हो, नीचे से लेकर ऊपर तक देख रहे हो, तो इस तरीके से आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा, लड़की आपसे बात नहीं करना चाहिए, अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आप लड़की को फॉलो करते हो तो लड़की को बुरा लग जाएगा, क्या ये लड़का फॉलो करता है मुझे बट गंदी नजर से देखता है, तो कभी वो जिंदगी भर आपसे बात नहीं करना चाहिए, समझिए। पॉइंट नंबर 2 फ्रेंड और इंपॉर्टेंट है जो कि आपको समझना चाहिए, अगर आपसे कोई लड़कियां दूर भागती है, अगर लड़की आपको इग्नोर करती है फ्रेंड, तो ये सबसे बड़ा एक रीजन ये भी होता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को, अपने लुक को आप डेवलप नहीं कर रहे हो। अब यहाँ पर फ्रेंड मैं उनके लिए नहीं बोल रही बात जो लड़के पहले से गुड लुकिंग है, जो लड़के पहले से स्मार्ट है, नहीं मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, ये मैं उन अपने भाइयों को लेकर रहा हूँ जो हमेशा एक ही लुक ट्राई कर रहे हैं, एक ही तरीके से हर कुछ चीज करना चाहते हैं, तो ऐसे नहीं होने वाला भाई। आपको पता होना चाहिए कि लड़कियां भाई अपने बालों के ऊपर जब इतना खर्चा करती है, अपने लिप्स के ऊपर इतना खर्चा करती है सिर्फ एक अच्छे लुक्स को पाने के लिए, तो भाई थोड़ा खर्चा तो आपको भी बनता है। अगर आप अपने लुक को डेवलप कर लेते हो, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करते हो, तो क्या होता है, सामने वाला पर्सन आपको इंपॉर्टेंस देना चाहता है, उसको लगता है ऐसा कि यार पहले से तो काफी बेटर दिख रहा है, पहले से तो काफी ज्यादा बेटर तरीके से बोल रहा है, पहले से तो काफी ज्यादा बेटर सही तरीके से चल रहा है, तो इस तरीके से क्या होता है, आप सामने वाले को अट्रैक्ट करते हो फ्रेंड, इंप्रेस भी कर सकते हो। अगर आप बात करने की हिम्मत नहीं हो रही, अगर आपने लुक भी चेंज कर लिया, थोड़ा सा डेवलप किया, तो लड़की ऑटोमेटिकली आपसे बात करने लगी, क्या बात है आज तो स्मार्ट लग रहा है, वाओ क्या बात है, और लड़की कतई भी आपको इस चीज से इग्नोर नहीं करने वाली है। अगर कोई लड़की आपको इग्नोर कर रही है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, वैसे इंप्रेस नहीं हो रही, आप पटा के थक गए उसे फिर भी सेट नहीं हो रही है, तो ये चीज आपके लिए फ्रेंड बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है। अब एक जो फ्रेंड पॉइंट है मैं आपको समझा देता हूं कि अगर आप किसी को इंप्रेस नहीं कर पा रहे, अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, या फिर वो लड़की आपको दिखना नहीं चाहती, आपको पसंद नहीं कर रही है, इसका मतलब आप पोलाइटली बात करना नहीं जानते हो। आपको पता होगा फ्रेंड प्यार की लैंग्वेज हर कोई समझता है, प्यार की भाषा हर किसी को अच्छी भी लगती है। अगर आप सामने वाले से प्यार से बात करते हो तो सामने वाला इंसान भी आपसे बात करना चाहता है। अगर आपकी बातों में थोड़ा बहुत भी एटीट्यूड है, घमंड है, इतना ही नहीं आप थोड़ा बहुत भी दिखा देते हो, झूठ बोलते हो, शो ऑफ मारते हो, तो कोई आपसे इंप्रेस या अट्रैक्ट नहीं होने वाला। आपने अगर ये चीज सीख जाना कि पोलाइटली बात कैसे करते हैं, लड़की को भाई प्यार से बोलना लड़के बहुत ही पसंद आते हैं, उनसे लड़कियां चाह कर भी दूर नहीं जा पाती है जो लड़के प्यार से बात करते हैं।
ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट फ्रेंड कहा जाए तो आप फॉलो कर सकते हो और देखो, फिर उसके बाद आप खुद बोलोगे कि सर मुझसे कोई लड़की अब तो दूर जा ही नहीं रही है, हर किसी लड़की को मैं इंप्रेस कर लेता हूँ। आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे कहा था ना कि सर इस टॉपिक को एक वीडियो चाहिए, तो देखो भाई मैंने जल्द से जल्द बनाया है एंड आई होप अब आप इस वीडियो पर एक लाइक करोगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड मन में आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो या फिर वीडियो आपको समझ में नहीं आई हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर कह सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और यूजर नेम है कैलाश राय 104। तो भाई आप उन सभी लोगों को स्वागत है जो मेरे इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं। वीडियो देखने में अच्छा लगा हो तो क्या सोच रहे हो भाई, एक वीडियो को लाइक करो, अगर हमें बहुत खुशी होती है, नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो भाई, अपने भाई का चैनल है सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करते ना फ्रेंड। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो मुझे, मतलब ज़्यादा अच्छी लगी हो कि हाँ भाई भाई लवर्स ने अच्छी बात बताई हमें, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।